आज की स्टोरी शुरू करते हैं कुछ मीम्स के साथ। पेश है ये पहला मीम। ट्विटर यूजर्स पराग अग्रवाल को ऐसे ही मीम्स ट्वीट करके ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलिंग करते हुए कहा जा रहा है कि अब जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है तो कंपनी के प्रेजेंट सीईओ पराग का अगला ठिकाना क्या अग्रवाल स्वीट्स होगा। अग्रवाल स्वीट्स वाला ये जो मीम है वो नया नहीं है। भारतीय मूल के पराग 2021 के नवंबर में कंपनी के सीईओ बने थे, तब भी अग्रवाल स्वीट वाला जो ये मीम है वो ट्विटर पे खूब वायरल हुआ था। तो कुल हासिल ये है कि पराग अग्रवाल 2021 के नवंबर से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आपको पता ही होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। $44 बिलियन में हुई इस खरीद के बाद ट्रोलर्स बार बार पूछ रहे हैं कि अब तेरा क्या होगा पराग। मतलब सवाल यही है कि क्या सच में जो पराग अग्रवाल हैं वो अग्रवाल स्वीट्स खोलने जा रहे हैं। ओके, तो मीम और मजाक अपनी जगह है। गंभीर बात यह है कि जब पराग ट्विटर जैसी दुनिया की बेहद अहम कंपनी के सीईओ बने थे तब पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात थी। अब जब उनके पद पर तलवार लटक रही है तो आपको बताते हैं कि उनका भविष्य क्या हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग को अगर सीईओ के पद से हटाया जाता है तो मस्क को उन्हें $42 मिलियन देने होंगे। रुपए में ये रकम 321 करोड़ के आसपास बैठेगी। पराग बने रहेंगे या जाएंगे इसका आकलन हम ट्विटर के जो पूर्व सीईओ हैं जैक डॉर्सी उनके भी एक ट्वीट से कर सकते हैं। जैक डॉर्सी वही इंसान हैं जिनके सीईओ पद से हटने के बाद पराग इस कंपनी के सीईओ बने थे। तो वैसे तो इस मामले पर जैक ने कई ट्वीट्स किए हैं, हालांकि इनमें से एक ट्वीट में पराग का भी जिक्र है। इस ट्वीट में जैक ने लिखा है कि एलन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का गोल जिस पर लोगों का बहुत भरोसा हो और जिसमें हर किसी के लिए जगह हो काफ़ी अच्छा गोल है। उन्होंने आगे लिखा है कि पराग का भी यही गोल था और इसी वजह से जैक ने उन्हें चुना था। ट्वीट में डॉर्सी ने आगे लिखा है कि मस्क और पराग दोनों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ट्विटर को एक ऐसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने के लिए जिससे ट्विटर का निकलना बहुत डिफिकल्ट था। डॉर्सी ने ट्वीट में आगे कहा है कि मस्क ने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही रास्ता है। तो हम इस ट्वीट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो चीज़ होती है एंडोर्समेंट। आसान हिंदी में एंडोर्समेंट को सिफारिश कह सकते हैं। और डॉर्सी ने इस ट्वीट में एक तरीके से पराग को एंडोर्स किया है, मतलब उनकी सिफारिश की है। डॉर्सी और मस्क के जो रिश्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस ट्वीट को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि डॉर्सी ने पराग को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया है, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि डॉर्सी ने पराग को एंडोर्स किया है। तो यह ट्वीट सिर्फ तारीफ भर था या एंडोर्समेंट था, यह तो मस्क जो फ्यूचर में स्टेप्स लेते हैं उससे पता चलेगा। अब वापस से लौटते हैं 321 करोड़ रुपए वाली बात पर। अगर मस्क नवंबर 2022 यानी पराग के ट्विटर के सीईओ के तौर पर एक साल पूरा होने के पहले उनको इस पद से हटाते हैं तब मस्क को यह रकम चुकानी पड़ेगी। 321 करोड़ का जो अनुमान है वो इक्विलर नाम की एक रिसर्च फर्म ने दिया है। और ऐसे अनुमानों के बीच कंपनी के एम्प्लॉयज से पराग की एक बातचीत हुई, और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो कंपनी का भविष्य है वो अनिश्चित है। जाहिर सी बात है कि ये अनिश्चितता पराग को लेकर भी बनी हुई है। अच्छा, मस्क ने ये जो ट्विटर खरीदा है उसे लेकर हमने अनकट के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई और स्टोरीज की हैं। उन स्टोरीज का लिंक हम आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने मन की बात बताना मत भूलें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।